प्यारे साथियों, गोपी चंद भर्तरी का किस्सा मास्टर सत्वी सिंह की आवाज में बताते हैं। केंद्रधारा नगरी में राजा पद्म सेन राज्य किया करते थे। उसकी रानी का नाम मैनावंती था, जो भर्तरी की बहन थी। उनके यहाँ एक लड़का था जिसका नाम गोपीचंद था। गोपीचंद की 16 रानी थी और 12 कन्याएं थी। एक दिन महलों में सोते वक्त रानी पाटम दे को सपना आता है कि महाराज, आज तो सपना आया मुझे। कि कैसा सपना है? तो सुपे रानी पाटम दे गोपीचंद के सामने अपना सपना बताती है। कैसे भला? के कहूं अचंबा साया वे करी, मेरी बात का ख्याल पिया। ओए आदी डली पहर का तड़का सुन सपने का हाल पिया। के कहूं अचंबा साया वे का पड़े तलावण ने। जन सपने में गया बान बैठ आई गीत लुगाई गावण ने। काले हाथी काले बराती तू गया दखण में ब्यावण ने। नशेरा मोड़ रे शरपे नशेरा मोड़ मोटा होया कमाल पिया। आधी डाई पहर का तड़का सुन सपने का हाल पिया। ताज उतार लिया ले सुहाग की चूड़ी जानू तरवा सब श्रृंगार लिया। पोशाक यतलसी चल के मैं जानू तन भगमा बाण धार लिया। काना में मुद्रा नाद जनेऊ काना में मुद्रा रहा कांधे जोड़ी खाल पिया। आती डली पहर का तड़का सुन सपने का हाल पिया। आती डली
डेरे सोचे काले काले लोग घेरा तेल बात मौजूद पिया जी दीवा बुझ गया हुआ अंधेरा इन बातों ने देख देख के साजन जी घबरा गया मेरा तेरे मला का पड़ा बारदा छज्जा गिर गया गेल मंडेरा नकड़ी छत में मेरी नाथ में नकड़ी छत में मेरी नाथ ओए नहीं रहा जानू लाल पिया आती डाई पहर का तड़का सुन सपने का हाल पिया बात नहीं सजूठी उतरा ने सपना आया डोडी चक्र भी ऊकी टूटी जे मेरा सपना सच्चा हो गया सब ऐसे मीर छूटी जब ते यो सपना आया मैं चौंक पड़ी धट उठी बाजे राम सुसाने आला ये याद करया तत्काल पिया आती डरी पहर का तड़का सुन सपने का हाल पिया सपने में ऐसा हुआ कि जानू आप साधु बन गए हो और झोली लेकर मांगते फिरो हो और आपकी मां ने आपका ताज उतार लिया इस किस्म का मुझे सपना आया और मैं देख के बहुत हैरान हुई मन में घबरा गई कि हमारा क्या होगा जय महाराज साची सपना हो गया तो टुक्कर होगा बोला ने बोला कि रानी तू बड़ी बेवकूफ है सपने कभी सच्चे नहीं होते यदि सपने में बेरा ने के दिख जा सपना तो ऐसा होया करे सारी दुनिया सपने झूठा मान ला तू साची क्यों माने तो गोपीचंद रानी पाटन देखो सपने की माया का हाल सुनाता है कि सपने तो सब झूठे हार में के हो जा सपने में तो गोपीचंद क्या कहता है हे रयाली चिंजाली बतावे सपने की माया रे रानियाल जंजाल बतावे सपने की माया रानियाल सपने में कमाल हो जा रे सपने के माँ राजा भी देख देख मंगा कंगाल हो जा सपने के में निर्धन बंदा इस दुनिया का भोपाल हो जा सपने के में निर्धन
दे सपने के माँ दर्जा रानी रे सपने के माँ जीजा मानस और सपने के माँ मर जा रानी सपने कैम बिना सवारी सात समुंदर कर जा रानी सपने कैम लोग न्योए पड़ी तेलावे पड़ी बेद किसे ना पाया रानी आली जंजाली बतावे सपने की माया रे सपने के माँ पर मता इंसान फेरे रे शेर सांप दिखे सपने में ओ कने अज्ञान डरे सपने के में बाजा जाना नू आंगे का अभिमान करे सपने में इसे कारण बीते सच्चे मानस दंग हो जा सपने के में इंद्रपुरी की उहुरा का सत्संग हो जा सपने के में दुश्मन गेल्या महागोरी जंग हो जा रे सपने के मां लड़े भेड़े और रे लड़े भेड़े और तेगी बजावे अटने अटाया वो रानी आली जंजाली कृष्णावती करती फकरी गात मरानी रे जो वस्तु दिखे जादन में वा दिख्या करे रात न रानी यो संसार सपने कैसी माया माने बात न रानी यो संसार सपने कैसी बड़े आदमी कया करे सपने का उल्टा ज्ञान हो कदे कदे एक मैल सुनहरी कदे जंगल बिया पान हो और सपने के मैं धन पाए ते कौन बता धनवान हो सपने के मां धन पाए ते कौन बता तेरे की तेरी यारे तेरे की तेरी कसे तावे जिने सपना आया रानी आ
पति का करो आरता, अपने पति का करो आरता, छोड़ दियो सपने का ख्याल, सारी दुनिया कहती आवे यू सपना उसे आल जंजाल तेरे की त्रिया रानी, ओए मन भी सपना आया काल तेरे की त्रिया रानी, फिर ध्यान लगा के सुनती जाइए सपना से यू साचा मेरा बजे गुरु, भेट गया मन जानू हाथ के मां गीता ले रहा, अचरणा में प्रणाम करया मेरे सिर ऊपर के हाथ फेरा, चरणा में रे सतगुरु जी जानू रे, सतगुरु जी जानू ज्ञान सकावे पास बिठाया का ख्याल छोड़ दो, और जो पति की सेवा करने के लिए औरतों का काम होता है उस काम कर लो, और मने नहाने की इच्छा है जल्दी से जल्दी पानी लाओ। तो बांदी ने पानी घर के धर दिया तो रानी राजा से अरदास करती है कि महाराज पानी तो ठंडा होने को जा रहा है और आप जल्दी स्नान कर लिए। गोपीचंद कपड़े उतार के और चौकी बिछा कर स्नान करता है और वो रानी क्या कहती है, ओए हाथ जोड़ी अरदास करे मेरे सजन तेरी पटरानी, कर लियो ने स्नान पिया थारा ठंडा ओ सब पानी, जोड़ी अरदास करे मेरे सजन तेरी पटरानी, स्नान पिया ठंडा हो सब पानी, हाथ जोड़ी अरदास शान ने देख पिया मरे सुख के धान हरे से, ताते ठंडे जल के कल से बंदी ने ईब भरे से, तेल दही सब त्यार करे से, तेल दही सब त्यार करे से, और के चीज मंगानी, चंदन चौकी जची चौक में सुन ब्याही की बाई, हाथ जोड़ी अरदास करे ये सजन तेरी पटरानी, कर जो मैं स्नान पिया तेरा ठंडा हो से की हौस पिया वे सपने में भी डरती, वह सदा सुहागण वे नाव सदा उनकी तेरती,
जो ना अदब पति का करती, जो ना अदब पति का करती, वे होश वीर अंगाई। उस घर में टूटा रहे पिया जोरा के खींचा ताई, हाथ जोड़ी अरदास करे मेरे सजन तेरी पटराई। पत्नी कल क्या यू भृगु संहिता में, नतजा पति का प्रेम कितने कष्ट पड़े सीता में, रामायण और गीता में मेरे बाल्य में सुनी कहानी। पहला धर्म वीर का अपने पति की टहल बजानी, हाथ जोड़ी अरदास करे ये सजन तेरी पटरानी। बाबू बेटा माँ और बहन सुनो इसी लगनी कहानी, हाथ जोड़ी अरदास करूं। महाराज स्नान के लिए पानी तो तैयार है, आप कपड़े उतारो और स्नान करो। गोपी चंद रानी के कहने से कपड़े उतार के और चौकी पर बैठ के स्नान के लिए तैयार हो जाता है। इतने में क्या हुआ कि उसकी माता मैनावंती चुबारे पर खड़ी थी और गोपी चंद की जो शारीरिक अशाप था वो देखा, वो बिल्कुल अपने पिता से मिलता जुलता था राजा पद्मसेन से। उसको देख के रोष में भर जाती है कि देख इसका पिता नहीं रहा और एक दिन यू भी नहीं रहे, इसका क्यों काम क्यों नहीं करे कि यू उम्र हो गया। उस गोपी चंद को देख के और वह बहुत ज्यादा रोष में भर जाती है, कैसे बोला रे बेटे गोपी चंद की नजर पड़ी तस्वीर, जननी रोष में भर गई। कर्म लिख्या सो वही
मेरी आँख नीच किसे अंध की कपड़े ओ ये शरीर जननी रोस मैं बैल की चमके जानू जेठ साड की धूप चमके जानू जेठ साड की रे रूप मिठाई कंद की दो दिन की तासीर जननी रोस मैं पर की करेंगे भली रेखना लिखी कर्म की डली रेखना लिखी कर्म की डली कली फांसी चोटिया फंद की देखे विश्राप फकीर जननी रोस मैं पैर की चंद इसे जड़े कष्ट जिसके शरियाने पड़े कष्ट जिसके शरियाने पड़े गड़ जाने बते फरी जंद की रयाना ननंद काबीर जननी रोस मैं गोपी चंद की तस्वीर को देख के उसकी माँ रोष में भर जाती है और आंखों से आंसू निकल के उसकी कमर पर जा पड़ी और गोपी चंद ऊपर को देखता है कि बूंद कहाँ से आई। रानी पाटन देश से सवाल करता है कि रानी देख कोई पक्षी आया नहीं, कोई घटा नहीं, बादली नहीं, ये बूंद कहाँ से आई। तो क्या पूछता है, ए पाटम दे मेरी ब्याई कटारे बादली अबरे नहीं आ बूंद करे
ना किते चमके बीजी और ना किते तीर कमान ना सामान ना तुंद पर सर मेरी अकल हुई सहरा तलक दखाई बाटे में दे माता का
रानी देख रहा ये बूंद कहां से आई है। तो रानी ने बताया महाराज तेरी माता रोवे छज्जे पर खड़ी खड़ी, पता नहीं क्या कारण है। भाई ये आवाज सुनते ही और विचार किया कि भाई जिसके मात पिता दुखी हैं वो तो कुछ भी इंसान नहीं। तो भाज के अपनी माँ के पास गया और क्या कहने लगा। हाथ जोड़ प्रणाम करूं चरणों में शीश नवाता, ओए कौन बात का ठक्कर करा बता क्यों रोई मेरी माता। हाथ जोड़ी प्रणाम करूं चरणों में शीश नवाता, कौन बात का ठक्कर करा बता क्यों रोई मेरी माँ। बंगाले का तू राज करे से खुद मुख त्यार, सारे राजा लाज मानते धन दौलत युते सुमार, लाखों नौकर तेरी टहल में थारे को तीस पुकार, सब राजी खुशी असनैया में कुटुंब कबीला और परिवार, सब राजी खुशी असनैया में कुटुंब कबीला मारे सर पे राजी सबसे, मारे सर पे राजी सब त्रिया यूतर लोकी सदाता, कौन बात का चक्कर करा बता क्यों रोई मेरी माता। बता दिए माँ देर बहुत घनी होली,
तेरी एक काम ते कौन नाचा नौकर चंद बांधी गोली के सोला बुआ मैं ते माता कौन तेरी श्यामी बोली सोला तेरी किसने बेअदबी कर दी तेरी किसने बेअदबी कर दी सही भेद बुझना चाहता कौन बात का चक्कर करा बता क्यों रोई मेरी माता
कौन सी बात होगी जो तेरे आंखों से आंसू आई? किसी रानी ने कुछ कह दिया कि नहीं बेटा, किसी दुश्मन ने कोई घेरा डाल लिया कि बिल्कुल नहीं, कोई शरीर में कष्ट है कि बिल्कुल नहीं, तो क्यों रोई? क्या कारण है रोने का? तो उसकी माँ गोपी चंद की क्या कहती है? ना कोई दुश्मन शीश चढ़ा, ना शमी बोली रानी, गोपी चंद मेरे लाल तुमा की सुनिए राम कहानी, सुनिए राम कहानी। नशा में बोली रानी, ईश्वर की माया से वे उन्हें किसी का ना खटका, जिसमें ईश्वर का साया हो सरे, ईश्वर का साया हो सरे। हर भजन बेन बेताया वृथा काया हो से वे हर कर दे वाये हो जाना, बंदे का चाया ओ सरे, बंदे का चाया ओ सरे। डरती फिरती छाया हो से, डरती फिरती छाया हो से, या समय आवणी जानी, गोपी चंद मेरे लाल तुमा की सुन ले राम कहानी रे।
जब बाप मरिया मन नहीं मजाज करा रे रही साथी बोली नेक ना कदे नखरा नाज करा रे नखरा ओए तू था चार साल कायो अरने सिर काज करा रे ओए इतने दिन के बाद याद तेरा पितायु आज करया रे पितायु आज उन बारह साल तक राज करया रे बारह साल तक राज करया रे फिर खामी झोल ने मानी ये बात सुन के और गोपीचंद बड़ा रोष में भर जाता है कि मां ये तो बड़े दुख की बात कही तने इस पृथ्वी पे जोन आया है वो चला गया या के बात याद करे थी बहुत दिनों की बात होली मैं जवान हूं जब मेरी 4 साल की उम्र थी इस किस्म का रोष तने नहीं करना चाहिए जोन आएगा वो चला जाएगा के बेटा बहुत दिनों के बाद तेरे पिता का ख्याल मुझे आ गया और किसी का दोष नहीं ना मुझे रानी ने कुछ कहा ना नौकरों ने कुछ कहा ना किसी और दुश्मन का मुझे डर तेरे प्रेम में जब तेरा गात देखा बेटा जिस उम्र में तू आज है इसी उम्र में तेरा पिता था और जो तेरे शरीर पर निशान है इसी किस्म का निशान तेरे पिताजी का था वो निशान देख के मुझे रोष आ गया और रोष में ये आंसू निकल गए और कोई बात नहीं के मां इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए कि इस पृथ्वी पे कौन आया कौन चला गया ये तो सब झूठा खेल है तो गोपीचंद अपनी मां को समझाता है कि मां इस किस्म की बात जो करेगा वो ठीक नहीं क्योंकि जिसने जन्म धारा है आदम देह में उस पृथ्वी पर नहीं रहा बहुत से राजा आए महाराजा हुए ऋषि महर्षि सब इस पृथ्वी पर से चले गए यहाँ तो सदा नाम साईं का है सदा परमात्मा ने रहना है परमात्मा ही जो कुछ करता है उसकी शरण है
जिन जो लोग ईश्वर का भजन करते हैं वही पार हो जाते हैं। ईश्वर की स्तुति में ध्यान रहना चाहिए। कर्म किया हुआ उस बंदे का हरदम साथ चलेगा, भजन किया हुआ उस बंदे का हरगज नहीं टलेगा। ज्ञान रूप की अग्नि बन कैसे पाप का ढेर जलेगा, सत्संग ज्ञान विचार बिना निगल में झाड़ गलेगा। भजन करे तो राम मिलेगा, घरारा हो चाहे वन में। माँ जो भजन करता है ईश्वर का वही लीन हो जाते हैं और वही अमर हो जाते हैं। यह बात और चुभ गई कि जो ईश्वर का भजन करते वही अमर हो जाते हैं। उसकी माँ इस बात को सुनकर और ज्यादा रोष में भर गई। न्यो बोली रे सही दुख तो यू है था कि माँ इस किस्म की बात नहीं करनी कि बहुत से यहाँ ये बता दिया कि पृथ्वी पर रहेगा तो परमात्मा रहेगा, इंसान ने तो रहना नहीं। और ये तो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी से तैयार होता है और मिट्टी ही में मिल जाता है इस इंसान की। तो ये तो आवागमन है, ये परमात्मा का खेल है, जो रचाता है वही ढा देता है। तो ये ध्यान नहीं करना चाहिए आपने। और मैं आपसे अर्ज करता हूं गोपीचंद अपनी माँ को समझाता है कि माँ पैदा सोई न पैदे, और क्या कहता है, एक राजा के रंग के बादशाह के राजा के रंग के बादशाह सारे मिले धरण में पैदा सोन पैद मात वे जन्म में सोए मरण में राजा के रंग के बादशाह सारे मिले खा गया था काल भीमसेन राजा रतु पर नल मर गया वीरसेन कालाल ना उस त्रिशंकु हरिचन रोहित कित गया करते करते ख्याल इस मृत्यु के जाल में बिछ इस मृत्यु के जाल बिछियो सारा जगत घेरण में पैदा जन्म सोए मरण में के राजा
हजार सुगण के सुजीन जीत ले पृथ्वी सारी। कपिल मुनि ने भस्म करे थे लात ऋषि कैसा मारी। इंद्र छड़का सोने की लंका दे माता पीसन आरी। एक लाख पूती सवा लख नाची राम ने मर गया बलकारी। जन कोरे दशरथ मर गए जिनके दशरथ जनक मर गए जिनके देवता रहे थे शरण में पैदा। छप्पन करोड़ यादव मर गए वो वासुदेव और नंद मर गया। बीस में द्रोण करण सुगनी वो पंड विदुर और अंध मर गया। सो भैया ने लेकिन दुर्योधन मती मंद मर गया। मरे अर्जुन भीम धर्म पुत्र दो मरे अर्जुन भीम धर्म पुत्र दो पूरे धर्म प्रण में पैदा सो। के राजा के रंक बादशाह मर गया। विलात तक था जिसका नाम हर देवा होया स्वर्ग का वासी। मर गया ज्ञानी गुरु बाजे राम सुल्तान सिंह नतन भी मरना। एक दिन छूटे घर और गाम सदा नाम ईश्वर का हो से मरने मयो जगत तमाम। दुनिया का अर्थ किसा गेड़ा दुनिया का अर्थ किसा गेड़ा। नुए आवागमन फिरन में पैदा बहुत छोटा राजा हूँ। मेरे पास क्या है, मने भी प्राण देने हैं मरने में मैं सब जगत जगत मरने माना है। कि बेटा इसे भी है जो मन मना आए। कौन है इसे तो उसकी माँ मैनावंती गोपीचंद को समझाती है कि जौन मरने में नहीं आए कौन कौन है बोला।
तेरे मन की डुमेट भ्रांति, ए गोपी चंद मेरे जाए, जिन जिन के मैं नाम गणा दूवे नहीं मरण मैं आए, मन की डुमेट भ्रांति, चले गए अपन में नारद से शिक्षा ले ली, वही गुरु मान लिया मन में, इंद्र ब्रह्मान कर दिया धुते न चंता मान तन में, वेदाग किया और मोक्ष मिली, अटल राज बचपन में, ओए हरि ने भक्ति समझी ब्राह्मण, हरि ने भक्ति समझी ब्राह्मण, बनके दुर्गो तीर्थाए, जिन जिन के मैं नाम गिना दूं, आसान बात तन लगे से भार्या, सूर्य का सारथी अरुण वो भी मरण ते से न्यारा, ऐसे लिखा कागभूषण ने पुल्ले देखी क्यारा, सरदार ते पांच साली, ओ सनक सनंदन कुमारा, ब्रह्मा के दस हजार परचेता, ब्रह्मा के दस हजार परचेता, वो नहीं काल में खाए, जिन जिन के मैं नाम गिना दूं, वरदान दिया था, बारह साल की खातर मरकंडे ने मरकंड के जन्म लिया था, लगा समाधि बैठ गए, लगा समाधि बैठ गए, और ऐसा तप किया था, अच्छे मनु मंत्र तप करके, अच्छे मनु मंत्र तप करके विकल्प की आयु पाए, जिन जिन के मैं नाम गिना दूं।
लोक में रोज जाना फिरता है, भुगजाल मुनि से हमेशा यो काल बलि डरता है। करुण जी ने भी अमर कहे विष्णु की सेवा करता है, वो माया ने मारे ओ नारी, वो माया ने मारे ओ नारी, कदे नहीं मरता है, हर देवाने बजते हर देवाने बजते, ब्रह्म के ज्ञान सकाए जिन जिन के मन नाम गिना दूं। कि बेटा ये कहते हैं ये अमर हुए जिनके मने नाम गिनाए, और जो तपस्या कर जाते हैं जो ईश्वर में लौलीन हो जाते हैं वे अमर हो जाते हैं। ये मोहमाया है, ये मोहमाया ही इंसान को मारती है, इस मोहमाया के त्यागन से सब अमर हो जाते हैं। ये बात कह के और रानी अपने महल में चली जाती है, मैणावंती गोपीचंद अपने महल में चला जाता है। इतने में भगवान की दया से क्या हुआ कि उसी नगरी में जहेंद्रनाथ जी आ जाते हैं और उसके साथ भर्तरी ने भी जोग ले लिया था, वो भर्तरी में आ जाते हैं और मांगते फिरते हैं। कुदरती महारानी मैणावंती के मकान में वो भर्तरी चले जाते हैं और भर्तरी को पहचान के और बाण भाई आपस में बात करते हैं, कैसे वाला हेरे राजपाट किया छोड़ भर्तरी, कान पड़ा लिए भाई, वे दूर पदारथ कर दुनिया के हर में सुरती लाई, फेर के बजा रे ना कोई दुश्मन बैरी मेरा ना किसे तनाजा, ओए भीख मांग रे जगत में छत्री राज हो के राजा, राज पाट गारी कौन बेते मने को न्यारा क्या साजा, राज पाट योरी राजपाती तजन की चुपारी, राजपाती तजन की चुपारी यात्री मन में आई, अप अपना मन होश मन या करेली मन की साई, राजपाती
तुम भरतरी जान बूझे के किसी मोटी हानी करती दुनिया के मां गाई जा इसी अमर कहानी करती विक्रम भाई रोवेगा दुखी पिंगला रानी करती दुखी करी ना उस पिंगला की मन अकल सियानी करती दुखी करी ना मर जाएगी सुन सुन के तन लोग लगाई खाना पर के ताले जाइए इसमें तेरी भलाई आज छोड़ करया जंगल के मजेरा वे सतगुरु पानी चस ज्ञान का दीपक ओ जा दूर अंधेरा ओए कौन मारेगा बात मेरे यूपी अरे बिगड़ गया मेरा बात मरेगा चक्कर में भाई माँ का जाया तेरा मौके पे ना आया थे अरे ओ जा लोग हंसाई मेरे बस की बात नहीं पिते की कर्म लिखाई कितना दिल का ढेर था मरू नहीं मैं अमर हो लिया सारा भर गया बेटा जय मेरा नहीं अमर करा दे गोपी चन मेरा बेटा एक लाल से अपने हाथा मत बने पुल की बेटा एक हाथ हो जाता रे काल किसकी अरे तेरे पास दवाई कहे लक्ष्मी चंद सतगुरु जी ते जागी सलाम मिलाई तो बहुत घनी बढ़िया बात है तो वाह न्यूकन लगी कि भाई तू कान पड़ा ले और साधु हो जा रे गोपीचंद।
जब ठीक बात रहेगी तो आपस में दोनों माता और पुत्र बतलाते हैं। ए चल गोपी चंद कान पड़ा ईसा वक्त फेर ना छावे। कौन करेगा राज मन मती माता जोग देवावे। कर लिया बरस बारा और लाल नहीं करे न्यू माता उजड़ हो जा धारा। जती जलंधर नाथ साथ तेरा मामा ब्रतरी आर्या। छोटा भाई विक्रम से उके कौन संभाल मारा। ए राम समारे काम पूत न्यू राम समारे ए दुनिया कहती आवे आगा पीछा देख मात क्यों अखूंड में तना फसावे। चल गोपी चंद काना ख्याल लाल अके कर बंधु तेरा। बारह कन्या सोलह रानी मिर्गा के सब फेरा। सब कारा में रुखाड़ा खबरी कीड़े पत्थर में ले रहा। नून पड़ू ते कुआ दिखारी नून पड़ू तेरा। ओए हाँ भर ले के सांप नाच जा क्यों घणी बात में लावे। अपने हाथ ते बाग लगामा आप ते कटना चावे। चल गोपी चंद नहीं कटे किसी अमर करा दू काया। काटते बच्चा कड़े रखेगी ना भेद बात का पाया। ओए होंगे अमर भाई जिनकी ये त्यागी माया। मां प्रलय में सबने आना जिन चेतन जगत रचाया। माँ का ओए माया का हो जा नाश वेदी माया का हो जा नाश वेदी। ओए ब्रह्म में असल बतावे रहना धरती
आकाश काल का मां गरमाने भी खावे चल गोपी चंद खेना होगा बारा कन्या बिन ब्याहियो जगत का मेना होगा करे वो हे नेवा चुम्मा के निसको हे नेवा ओए लत्ते तार बगावे कुत्ते ने मारे रोया बनजारा पाछे ते पछतावे चल गोपी चंद ये एक माता के लक्षण नहीं जो बसे बसाए घर में उजाड़े कि बेटा मैं तेरे भाजे की कहती हूँ सब मरण में है और मैंने वो भी बता दिए जो बचे रहे जो अमर हो गए अमर रहने से शुद्ध आत्मा होती है। तो गोपी चंद अपनी माँ को समझाता है और क्या कहता है हेरी मेरी मात रहने दे मत न्यारी जो के देवा मेरी मात रहने दे क्यों कर लूं काया पजेल सातू वाले मने खेल खाने दे क्यों मंगेरी तू खुआ मेरी
सजे कचहरी राज मुकदमा कोई छाने ना राज बेन्याना इज्जत जग में राज बेन्या कोई छाने ना न्यारी तो रे बगावे मेरी माँ तेरा है
मैं तो जोग दिवा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मेरा पुत्र है तो माता का कहना मान, वरना बिल्कुल इनकार कर दे। तो फिर गोपीचंद समझाता है कि माँ इन बातों ने जान दे, इन बातों में कुछ नहीं है। तो गोपीचंद अपनी माँ को क्या कहता है, ए बने बनाए खेल में माँ आप खोएगी, ए बने बनाए खेल में माँ आप खोएगी, एक लाल से मातारी एक लाल से मातारी बच्चे रोवेगी, बने बनाए खेल में माँ आप से ज्ञान ने जीव तू पूजी घर से ओए और ठकान तू राख ध्यान ने गोपीचंद की शान ने गोपीचंद की शान ने माँ कित से टोवेगी खेल में माँ आप घन में
तेरे मन में लगायो चटी, तेरे तन में लगायो चटी, तेरे तन में ना सुख ते सोवेगी। बने बनाए खेल में तुझे जोग दुआऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो गोपीचंद को लेके वह मैनावंती और जहां बाब्या का डेरा रुका हुआ था वहां पर पहुंच जाती है। वहां जाके देखा तो भर्तृहरि मिले कि रे भाई मैं अपने बेटे को जोग दुआने के लिए आई। मिले बेबे राजपाट का के होगा कि रे तन्नमित ले लिया कि मेरा तो संभालने वाला था, तेरे कोई नहीं है, 16 रानी है, 12 कन्या है, उनका क्या होगा, ठीक बात नहीं। लेकिन वहां कही के भाई मैं जोग दुआऊंगी चाहे कुछ भी हो जा। भर्तृहरि और उसकी बहन मैनावंती आपस में बात करते हैं, कैसे भला ये बड़ी मुश्किल देख्या ना, ये बड़ी मुश्किल से देख्या जा, दुख बेटे और भाई का ये बड़ी मुश्किल से देख्या जा, दुख बेटे और भाई का तन भर्तृहरि समझावे मुँह करके माँ जाई का बड़ी मुश्किल से तन भर्तृहरि समझावे करके माँ जाई औलाद एक कसी ओ से
पान भाई में फर्क नहीं, मर्याद एक सी हो से दोनू जग घर की पूंजी बर्बाद एक सी हो से। मात पिता आगे ना कमयो तके बाद एक सी हो से। तन अपनी करके समझाऊं, अपनी करके समझाऊं, क्योंकि पता नहीं राई का। तन भरतरी समझावे आती जे तू मेरे घर में आता ना। साधु का सत्संग कर कैसा तू तेरे कर्म का खाता ना। आज ते आके न्यू समझूंगी मेरा तेरा कोई नाता ना। मां जाया तन जब समझूंगी, मां जाया मेरा मान रख दे आई का। धर्म कुटुंब की सेवा हो उन्हें ज्ञान कौन कह दे। चोरी ठगी कर फिर उसने ऊंची शान कौन कह दे। ठीक तो बात ने ना माने उन्हें बुद्धिमान कौन कह दे। दूर छूट जा तेरे हाथ, दूर छूट जा तेरे हाथ ना वे सोच भक्ति समाई का। ये समझावे
सिपाही ने के फूकूंगी जो इतना भी ना काम करे। अमर कराना भी देखा जा पारे उल्टे सीधे सोने धरे। मेरे बेटे की शीलक कोन्या न मेरे तेरे यार ही चले। शर्म नहीं तेरी आख्या के माँ, शर्म नहीं तेरी आख्या के माँ। तन तोड़ कराया सनाई का तन भर तेरी समझावे। की मत बुद्धि पछे समझाए तना फर्क पड़े। मैं फादे यारी बात कहूं तेरे मन में नहीं पड़े। बिना ज्ञाने विचार बिना नूर अंज जागी पड़े पड़े। गोपी चंद कन रोएगी, गोपी चंद बिन रोएगी। ओ सदमा बुरा जुदाई का तन भर तेरी समझावे। जिंदगी डट जाएगी इतना काम करा दे मेरा मन की व्याध मिटी जाएगी। गोपी तने अमर हो जा सारे जग में मालूम पट जाएगी। तू न्यू सोचे मेरे कैसा हो जा तेरी इज्जत घट जाएगी। लक्ष्मी चलना दुख दे तने, लक्ष्मी चलना दुख दे तने। ना खावे टुकड़ा कमाई का तन भर तेरी समझावे। माता ने कहा कि एक बार मैंने गोपी चंद से मिलना है, तो गोपी चंद के पास उसकी माता भेज दी और जाकर बहुत विलाप करती है, तेरे बेटा मेरे से भूल होगी, इस भूल को मेज दे, चल तू इस बाणे को त्याग कर और घर चल। बोलेरी माँ मैंने बहुत इनकार करया, इब खुद आगी। गोपी चंद अपनी माँ को धमकाता है और क्या कहता है, ए लोग देखावा रोवे से खुद जोग दवावाने आली री। लोग देखावा रोवे से Thank you.
तेरे कहने ते बन गया जोगी ऐसे मिली बाग बीच सतगुर जोगी बसा बसाया घर खोगी तू गंगा बरगी ओ गिरी जन जन खावने आली री लोग दिखावा रोवे से अलाचार करा बड़ी कोशिश करके प्यार करा तेरी धक्के दे दे पार करा अज पूत तो झूठा प्यार करा तू बरते तावने आलीरी लोग दिखावा रोवसे पहले मैं तेना करया ख्याली चौकी झट चौक दवा माणी पड़ी चाल तन कन पाड़ा करया मई पाल एरी उन सोला का के हाल तू रांड बैठा मने आली री राज के बीच लोभ पाके अदन पत संगी ताज चाके बेटे का हुक्म जगा के तू अपना रोब जमावने आली री लोग दिखावा रोवे से कि माँ ये भी सुरोने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तू अपने घर न चली जा। गोपीचंद ने अपनी माँ को धमका कर वहां से भेज दिया। बाबा जहेंद्रनाथ ने सोची कि ऐसे तो नहीं, गोपीचंद को बुलाया कि भाई तेरा जोग जब सफल होगा तू अपनी रानियों को माता कहकर भिक्षा लाऊगा। तो गोपीचंद ने जब यह बात सुनी तो धड़ते ही तैयार हो गया और वो बाबा जहेंद्रनाथ उसको हुक्म देता है कैसे बना। ओए पाटम देने माता कह के बक्षा लानी होगी जोग सफल हो जब मेरे मुंह ते साची बाणी होगी पाठ में देने माता कह के जब
बाणी जितनी रिश्तेदारी जोग के कारण पड़े बदलने जितने नेक गवारी पातम देवे माता के दे चौपट रानी से थारी माता के रक्षा ला दे जोत्रे प्राण की प्यारी जोत्रे प्राणा माता कह के भीख गाल जा माता सुन के भीख गाल जा तो घनी शानी होगी जोग सफल हो जब मेरे मुंह ते हो जाता है और क्या कहता है एक कोई भी गोती नाचती ना मेरा किसे से प्यार नहीं से मात पिता ना भाई बंद मेरी कोई भी नार नहीं से तेरा जीता जित गाल करू दी मने इन कार नहीं से गोपी चंथारे चटका चला हुक्म से बार नहीं से हुक्म से मेरा होगा बेड़ा रे होगा बेड़ा पारे जब थारी सेवा पानी होगी जोग सफल वो जब मेरे मुंह से मान समझना चाहिए रात दिन करे सेवा करू की ज्ञान समझना चाहिए ज्ञान के नेग खोल गुरु जी भगवान समझना चाहिए भगवान समझना चाहिए नत सतगुरु बिन ज्ञान कितने पावे सतगुरु बिन ज्ञान कितने पावे ओ कर्म की हानी होगी जोग सफल हो जब मेरे मुंह पे माता के प्रेम चल
सच्चे ते बिल्कुल नहीं एले हो, जो के साधन कर्म करते हैं योगी संत बने हो। इसीलिए थारी मान बढ़ाई रस्ते ठीक चले हो, जैसे लक्ष्मी चंद ने मिले मान संग वैसे आप मिले हो, वैसे आप मिले हो। मेरी नाव पड़ी नाव पड़ी मजेदार बीच में पार लगानी होगी, जो सफल हो जब मेरे मुंह में साची बाणी कि महाराज जहां आप भेजना चाहते हो वहां जाने के लिए मैं तैयार हूं। साधु का बाना हो चुका था, भिक्षा लेने के लिए पत्र ले लिया और गोपीचंद वहां से चलता है, कैसे भला? ले लिया जोग पड़ा लिए कान, कार ली अलख जगावन की बना, गोपी चंद परम फकीर बना, गोपी चंद परम फकीर। ओए अलख जगाम की बना, गोपी चंद परम फकीर तेज रूप में नहीं मन था छाया धूप में, रात में डकरा तेज रूप में नहीं मन था छाया धूप में, ओ भूप न तज दिए मैल मकान ओटली भिक्षा लावण की, ओया संता में साजा शीर बना, गोपी चंद परम फकीर। राज के बारी अंग से थना बंदे के बीच था, राज के बारी अंग से रहे था, माया में गुलतान थी आदत हुक्म चलावण की, एकदम पलट गई तक तीर बना, गोपी चंद परम फकीर। ठकान करके सला जान हरी मदर के मन चित एक ठकान करके देखू सकल जान नाचाना, दर्ब कमावण की बतयू हो गया अमर शरीर बना, वो कीचन परम फकीर।
और कह गया महल में जड़े रानी थी खास तेल में राम और कह गया महल में जड़े रानी थी सतगुरु का वरदान याराई मुक्ति पावन की तोड़ी मोह माया की जंजीर बना गोपी चन परम फकीर तो साधु का बाणा धारे हुए था सब मोह माया की जंजीरों को काटता हुआ और नगरी में घुस जाता है। जितने भी घर आए सबको माई कह के मांगता हुआ चलता रहा। जब महल आ जाता है राजा का जहां रानियां रहा करती थी वहां भी अलख जगाई कि माई मैं साधु खड़ा हूं और मेरे भी घाल जा। रानी पाटम देती उसने आवाज को पहचान लिया कि हो न हो गोपी चंद नीचे उतर के आई। जब बोल सुना तो गात में एकदम करंट सा लग गया। कैसे बोला बोल सुना जब किसे साधु का ओए छटका लग्या गात के पाटम दे झट चाल पड़ी भोजन लिया हाथ के बोल सुनिया जब किसे साधु का मुक्ति की मिल जा रही भोजन तू ओ खुशी आत्मा वे जिसी करे खुशी आगे आवे जिसी करे खुशी आगे कदे फल जा फड़क बात बोल सुनिया जब किसे साधु का धर्म छोड़ धर्म में लगे धर्म में पीत रहे दास तो ज्ञान समझ विचार करते हर दम जीत रहे दास जो ज्ञान समझ विचार करते हर दम जीत रहे दास क्योंकि धर्म करे पाछे रंग देसे धर्म करे पाछे रंग जैसे मेहंदी हरे पात के मोल सुनिया
छन में जिंदगी का रंग बदले, छन में धूप का दे साया, छन में मानस खरे भरमता, छन में वो मन का चाया, छन में सिर पे ताज धरा जा, छन में करे और माया, जब दरवाजे पे देखन लगी शामी पति खड़ा पाया, दरवाजे पे देखन लगी शामी पति खड़ा पाया, उसका बगमा बाना लगी बबूती, बगमा बाना लगी बबूती, वे रचरिया और जात पे बोल सुनिया गलती कर दी कोड बुरी, या उजल के आवन लग गया आख्या ते गई लाग जड़ी, हाथ जोड़ के पत्म दे जट शीश झुका के हुई खड़ी, हाथ जोड़ के पत्म दे जट ओए कह लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंदे चले को नया सात बोल सुनिया पातम दे नीचे उतर कर आ जाती है और हाथ जोड़ कर खड़ी होगी कि महाराज यू के करया तने और ना मारी बात ने मानी, मैं कहूं थी दे मेरा सपना सच्चा हो गया। तो वह पातम दे गोपी चंद से क्या कहती है, ओए राजा ते जोगी बने के जोड़ी तने या के सोची मेरे ननद के भाई, राजा ते जोगी चुमके धोई छाई, तने या के सोची मेरी ननद के भाई, करे थी घर में सोला रानी, कान पड़ा लिए ऊंच नीच ना जानी, वे सपने आली पूरी हुई कहानी, ओट ली तने घर घर अलख जगानी, तेरे जी ने रोवे घरा बेरानी जाई, तने या के सोची मेरी ननद के भाई।
पारा कन्या कन्या बाप की कुर्ती जीव तेजी क्योंकर सबर करें बेदरी दी इनका कौन रुखाड़ा छाई चेरे पर तने जोग ले लिया कलम तोड़ के धरी दी ये सोला रानी कर के रान बिखाई तने या के सोची मेरी ननद के भाई चाहिए था तने यू ख्याल अगत का छोड़ तकत में पाना लिया भगत का नर्मदा का मेल व्यवहार जगत का गृहस्थ चलाना उस काम सगति का आज मांगे भीखे बहुन कह के माई या के सोची मेरी ननद के भाई शान देख के उजल्या आवे किया ए राम कुवार कह कुन सा बदला लिया ओड उम्र में मोस बैठा दीपिया बेवारसी होगी न लाग जिया ओए राम भरोसे छोड़ दे तने ब्याई या के सोची मेरी ननद के भाई तो रानी की और गोपीचंद की बहस होती रही लेकिन उसने कहा कि मैंने सब संसार को त्याग दिया है इब जितने हैं मेरे हम उम्र हैं वो मेरे बहन भाई का नाता है जो बड़े हैं वो माता पिता का नाता है और दूसरा नाता इस संसार से मेरा खत्म हो चुका है मैं तुझे माई कहता हूं और मेरा भीख हाल दे। रानी पाटन देने सबर करके और उसका भीख हाल दी। भीख लेता लेता रानी मैनावंती के महल में जाता है अपनी माता के महल में जाता है और वहां भी अलग जगाई उसकी आवाज सुनकर वह भी नीचे उतर आई और कौली भर ली कि बेटा इब भी मान जा इब भी मारी सज जाएगी कि अच्छा अपने आप तो तू जोग दिवाई अरे इब उल्टा करे मने किसी दिन का छोड़ेगी नानी उनका नानी उनका। तो गोपीचंद अपनी मां से क्या कहता है वे अपने हाथा मार कुलाड़ी पछे ते पछताने लगी खुद बेटे ते जोग दवा आख्या ते आंसू बहाण लगी अपने हाथा मार कुलाड़ी पछे ते पछताने लगी बेटे ते जोग जवा आख्या ते आंसू अपने हाथ
खेरू मुनसि मात सब अगत बेल में सावे से दुनिया में नाम रह जानू बड़का ने ब्यावे से कृष्ट आश्रम पूरा करके फिर हरी गुण गावे से कृष्ट आश्रम पूरा बारा कन्या तन ब्याही तुम बारा कन्या तन ब्याही मन देख कर उसने मसान लगी खुद बेटे थे चोग जवा आख्या ते आंसू हो जाते कौन कष्ट में टालेगा बिना खसमरी जमीन स्त्री तन में कौन रुख लेगा राज की मलक बन बैठी कोई दसवन दीवा पालेगा तू राज की बेटे का रोब जगा के माँ बेटे का रोब जगा के अपना हुक्म चलाने लगी खुद बेटे से रोब जगा के Oh!
खड़ा बेखारी बीखदार मेरा हो जा जोग सफल माई जो वेदना ने लिखा कर्म में किस तरिया जटली माई आज आज तेरी नगरी में फेरी जाएंगे दूर निकल माई राम कुआर कहे मोन तज के रोक आंखते जली माई राम कुआर कहे मोन तज के रोक आंखत ओए राम रटे बिन मुक्ति ना राम रटे बिन मुक्ति ना मेरे ईब समझ में आने लगी खुद बेटे ने अपनी माता से भी भिक्षा गढ़वा को गोपीचंद वापिस आ जाता है तो बाबा जलंधर ने उसके जोग को सफल बताया और अपने साथ लेकर वहां से डेरा उठा के और कूच कर जाते हैं। चलते चलते कुछ दिन के बाद धौलागढ़ में पहुंच जाते हैं जहां गोपीचंद की बहन चंद्रावल ब्याही हुई थी। वहां भी गोपीचंद को कहा कि बेटा यहां से भी भिक्षा तने लानी पड़ेगी के जरूर लाऊंगा। तो चलता चलता गोपीचंद ने पता ही था कि तेरी बाण ब्याह रखी है उसी महल में पहुंच जाता है जहां चंद्रावल रहा करती थी और उसने अलख जगाई के माई मेरे भी घाल दे मैं साधु खड़ा हूं। तो वह चंद्रावल जब पानी लेकर नहाने के लिए तैयार थी तो अपनी बांदी से कहा कि जा देखिए कौन साधु की अलख है। तो वह बांदी से क्या कहती है ए बंदी बारी देखिए जाके किसने अलख जगाई है तू ये भिक्षा गाज दिए मैं इतल ना नाइए बंदी बारी ओए फिज गृहस्थी का अतिथि सेवा ईश्वर पार लगा देखेवा फिज गृहस्थी का अतिथि सेवा ईश्वर पार लगा देखेवा ओए सेवा करेत मिलती मेवा मिट जा कष्टी तवाई ए तू ये भिक्षा काल दिए मैं तब कहना कोई साधु ओ तपधारी आया प्राणे कौन भिखारी करे कोई साधु ओ तपधारी आया बारने कौन भिखारी ओए भीख गाल बंदी घरबारी भीख गाल बंदी घरबारी के सबकते लागी बताइए भीख
दे गुस्से में ओ आ रहे हो सो मैं खली ओ जा रहे हो कदे गुस्से में ओ आ रहे हो सो मैं खली ए दे दे साफ ते दुख बारा ओ दे दे साफ ते दुख बारा ओ इसकी नहीं दवाई तू ए बेशा बाल दिए मैना या बात देरी से उनकी बेल कहे राम कुआर जिन नीत करी से राम कुआर जिन नीत करी से पुन में कलाया सवाई तू ए भिक्षा काल दिए बांदी भिक्षा लेके और नीचे आती है और उस साधु को देखा और उसने गोपीचंद ने पहचान ली क्योंकि जब चंद्रावल बह गई तो वह बांदी साथ दी थी, लेकिन उस बांदी ने उस गोपीचंद को नहीं पहचाना। उसने कहा कि लो साधु जी भिक्षा, कि मैं तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लूं, जिसने तू भेजी है उसने भेज। क्रोध में आके और वह बांदी तो उस साधु को मारने लग गई। अच्छा तू हमारी रानी के प्रति ऐसे शब्द कहता है कि मैं उसको देखूंगा, तू साधु नहीं फिर जलील है कोई। अब शब्द भी बोलती है और उसको मारती भी है, तो वो साधु हाथ जोड़ के उस बांदी को क्या कहता है, ए बांदी मेरे मारे मत न्या यू तेरा फिर में कसाई से एक गेल देश में दे रखी तू जब चंदना वाले ब्याई से बंदी मेरे मारे मत न्यायू की भिक्षा ना लू कितनी देले गाल मन लुच्चा पाजी पाखंडी तू चाहे बता चंडाल मन मार कोलड़ा पीटन लगी क्यों पशुआ की डाल मन दग एक मुठी भिक्षा चाहिए से ना चाहता धन माल मन एक मुट्ठी जग साथ ओए उस पे भी खे गलाऊंगा
आसमान मजाई से खेल देत में ये रखी तू जब चंदना वाली छान ले तू बांदी से मैं तने पहचाना कोना साधु रूपी राम का के मेरा ओ ए बाना कोना अत जी अमीरी ले फकीरी छोड़ ठिकाना कोना ठग मांग मांग ते पेट भरे मारे शीम शमाना कोना मांग मांग के पेट भरे भरे शीम शमाना कोना ए उसने गाल दिए तू जिसमें उसने गाल दिए तू जिसमें ओए देख भीख खंदाई से कैल तेज में के रखी तू आदर करना उस धर्म गृष्टी का अतिथि की दहल करते पणता कर्म गृष्टी का गर्भवासी में चाहिए बंदी हृदय नरम गृष्टी का शिव की दरिया दान करने चाहिए ब्रह्म गृष्टी का शिव की दरिया दान करने ओए अच्छी बुंदी कह संताने अच्छी बुंदी कह संताने या किसने शिक्षा लाई से कैल देर में जाके न्यू के देवो साधु घना अखिला से मेरे हाथ की व्यक्षण लेता मोड़ा घना नुकिला से बंदी व्यक्षा काल कथारे और ना कुटम कबीला से राम कुआर के गाल दे उसने जिसका उमल रंगीला से कह दे गोपी चंद्रिया जो कह दे गोपी चंद्रिया जो माँ का दाया भाई से
रामचंद्र को बहुत घना समझाती है वाकई भाई ऐसा नहीं चाहिए था, यह बात हुई तो हुई क्यों कर तने ऐसे बाना कैसे धार लिया के बेबे के बताऊं मत नान बैठा था और माँ ने शरीर को देख के न्यूकन लागी रे जोग दिवाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत घना इनकार किया लेकिन माता नहीं मानी, यदि माता के कहने को ना पुगाऊं तो संतान अवैध है। मैं तो अपनी माता का कहना मानता हुआ बेबे मन से ये कान पड़ा लिए और ये बाना ले लिया और आदेश देता हुआ घूमूंगा, ज्ञान देता हुआ घूमूंगा, समाज की सेवा करूंगा, यही मेरा सच्चा धर्म है और एक इंसान का भी सच्चा धर्म होना चाहिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।